मैं अपने भक्तों पे कृपा उनके कर्मों की उनकी भावनाओं के अनुपात में करता हूं। किसी माध्यम के पद या उनकी उपलब्धियों के आधार पर या इसके अनुसार भी नहीं कि मेरे भक्त ने मेरी आराधना किन बहुमूल्य वस्तुओं से की, कितने भव्य मंदिर में की। मैं किसी स्थान तक सीमित नहीं रह सकता, मैं तो सर्वव्यापी हूं महादेव। तो मुझे अपने भीतर ना ढूंढकर बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही क्या है, इसमें ऐसा करुणा भाव, इसमें ऐसा निस्वार्थ भाव कि वो अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दूसरे के प्राणों की रक्षा करे। वो व्यक्ति तो किसी भी वरदान की योग्य। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो महानंदा, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई महानंदा। मांग क्या वरदान चाहिए तुम? आजीवन आपसे कुछ ना कुछ मांगते आई हूँ, किंतु आज साक्षात आप मेरे समक्ष है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी इच्छाएं निरर्थक है। तुम्हें शांति का सुख, नृत्यशाला की सभी कन्याओं की तुमने जो भी इच्छा व्यक्त की वो अवश्य पूरी। तुम्हारे साथ साथ जो शुद्ध मन से नृत्य कला के उपासक, जो तुम्हारे जैसा जीव इस संसार में कहीं भी जी रहे, उन्हें भी शांति प्राप्त, और वो सभी तुम्हारे जीवन से प्रेरणा। हनुमान पूछने में मुझे भय प्रतीत होता है, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं धन्य हूं। सूर्यदेव से ज्ञान पाके मैं गदगद हो गया। प्रतीत हुआ अब जीवन परिवर्तित हो जाएगा, किंतु जब से मैं कृष्णकिंदा लौटा ऐसा लग रहा है मानो मानो कृपाण से मैं फल काट रहा। अब ज्ञान तो प्रश्न भी बढ़ गए, प्रश्न के दर्शन होते उत्तरों के दर्शन कब होंगे? अपने मार्ग का दर्शन करवाया, गंतव्य के दर्शन कब होंगे? मैंने तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाया है हनुमान, किंतु इस यात्रा में एक दूसरा मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग, जिस पर तुम्हें चलना। के मार्ग में मार्गदर्शन नहीं होता हनुमान, वहां केवल आराध्य के दर्शन होते हैं।
पैदा नहीं होते, उन्माद होता है। और जब आराध्य को देख भक्त दौड़ता है तो मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है। हनुमान, एक दिन तुम्हें भी कोई भक्ति का मार्ग दिखाएगा। वही गंतव्य होगा हनुमान, और जिस क्षण तुम्हें अपने गंतव्य के दर्शन होंगे उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा हनुमान कि उत्तर तो तुम्हारे सहयात्री थे। धैर्य रखो हनुमान, जिस समाधान की तुम्हें प्रतीक्षा है उस समाधान को भी